पंद्रह लाख के इनामी नक्सली ओरिजिनल कमेटी के सदस्य अमित मुंडा के गांव रांची पुलिस पहुंची। रांची एसएसपी सुरेंद्र झा के निर्देश के बाद बुंडू डीएसपी और झारखंड जगुआर के कमांडेंट अपने दल बल के साथ घोर नक्सल प्रभावित गांव तमराना पहुंचे और ग्रामीणों के साथ बैठक की। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर झारखंड आए हैं और रोजगार की कमी के कारण कहीं नक्सलियों के गिरोह में शामिल न हो जाए, इसकी चिंता सरकार और पुलिस प्रशासन को भी है। इसी कड़ी में आज बुंडू तमाड़ के तमराना गांव में ग्रामीणों के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई। नक्सलियों के लिए मुख्य धारा में शामिल होने की सरेंडर पॉलिसी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। बुंडू तमाड़ इलाके में पूर्व में आतंक का पर्याय बने पूर्व माओवादी कुंदन पाहन को भी सरेंडर पॉलिसी का लाभ मिल चुका है। अब पुलिस प्रशासन की नज़र खूंखार नक्सली अमित मुंडा पर है। पुलिस अब प्यार से समझा बुझा कर अमित मुंडा को वापस मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रही है, ताकि बूढ़े बीमार बाप को सुकून मिल सके और गांव समाज में नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। 15 लाख के इनामी नक्सल आज हम लोग पहुंचे हैं तमराना गांव में, जहां पे रीजनल कमेटी मेंबर अमित मुंडा का घर है और वो 15 लाख का इनामी है। आज हम लोग आए हैं परिवार से, उसके पिताजी से, उसके भाई से और परिवार के अन्य सदस्यों से मिलने के लिए, ताकि हम लोग उसे अभी उसके पिताजी से और उसके परिवार वालों से हम लोगों ने मुलाकात किया है। और हम सरकार की यही पॉलिसी है, सरेंडर पॉलिसी, और सरकार की योजनाओं के जानकारी देने के लिए और उनके परिवार के हालचाल जानने के लिए आज हम उसके घर पे आए हैं। उनके पिताजी सुखराम मुंडा से हम लोग की मुलाकात हुई है, उसके भाई कृष्णा मुंडा से मुलाकात हुई है, उसके भाई की पत्नी बच्चों से मुलाकात हुई है। हम लोगों ने बात की, काफ़ी लंबी बैठ के बात की है। तो उसके पिताजी भी चाहते हैं कि अमित मुंडा सुखलाल मुंडा वापस आ जाए, अपने घर में आ जाए, अपने परिवार के सदस्यों के समाज के बीच आ जाए। वो भी नहीं चाहते हैं कि, वो भी उनका भी कहना था कि ऐसी क्या ज़िंदगी है कि जंगल जंगल भटकते रहो और लोगों की जान लेते रहो। या वो उसके पिताजी भी इसको उचित नहीं मानते हैं और उसके पिताजी ने कहा है कि मैं उस तक मैसेज भेजूंगा, मैं मिलूंगा, उसको समझाऊंगा कि अपने घर पे वापस आ जाए। हम लोग की भी यही कोशिश है, हम लोग वो भी समाज का, अमित मुंडा भी समाज का एक व्यक्ति है और हम लोग चाहते हैं कि वो भी मुख्य धारा में शामिल हो जाए और हम लोगों से आके मिले। हम लोग उसके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। अमित मुंडा कौन है सर? बहुत कई साल पहले अमित मुंडा अपने घर को तमराना को छोड़ के नक्सलियों के साथ शामिल हो गया और उसके दस्ते में वो लगातार भ्रमणशील है। अभी रिजनल